रमजान में रोजा रखने के कुछ फायदे हैं। एक, तकवा की पैदाइश। रोजा रखने से तकवा यानी अल्लाह से डरने की ताकत पैदा होती है जो ईमान को मजबूत करता है। दो, सब्र और शुक्र की तरबियत। रोजा रखने से इंसान को सब्र और शुक्र की आदत बनती है क्योंकि वह अपनी भूख और प्यास पर कंट्रोल करता है। तीन, रोजगार की बरकत। अल्लाह ने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के मुताबिक रोजे की बरकत से ज्यादा माल और बरकत आता फरमाई है। चार, गफलत से दूर। रोजा रखने से गफलत यानी अल्लाह की याद से गाफिल होने की सूरत दूर होती है और इंसान अपने रब के करीब होता है। पाँच, इबादत की तौफीक। रमजान में रोजा रखने वालों को इबादत करने की और कुरान की तिलावत करने की ज्यादा तौफीक मिलती है। छह, गरीबों का एहसास। रोजा रखने से इंसान गरीबों और कमजोरों का एहसास करता है और उनकी मदद करता है। सात, रिश्तेदारों के साथ ताल्लुकात। रमजान में रोजा रखने से इंसान अपने रिश्तेदारों के साथ ताल्लुकात में इजाफा करता है और उनकी इज्जत करता है। आठ, गुनाहों से बाज आना। रोजा रखने से इंसान अपने गुनाहों से बाज आता है और अल्लाह की रहमत और मागफिरत की उम्मीद रखता है। नौ, नफ्स की तरबियत। रोजा रखने से नफ्स पर काबू पाया जा सकता है और इंसान अपने नफ्स को तरबियत देकर ताकतवर बनता है। दस, जन्नत की बख्शिश। रमजान में रोजा रखने वालों को जन्नत की बख्शिश और अल्लाह की रहमत का वादा है जिसका फायदा उठाना चाहिए। इन सभी फायदों के साथ रोजा रखने वाले को अपनी नियत साफ रखनी चाहिए और इबादत में लगन और इखलास से काम करना चाहिए। अल्लाह हाफिज। इस तरह की और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब माई YouTube चैनल।